you all to my channel. We are in Rishikesh and it is a very chill family getaway क्योंकि हम लोग ने बहुत टाइम से ट्रिप नहीं गए थे फैमिली. सो हमारा मन कर रहा था कि हम कहीं आसपास. ओके सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू ऑल हाउ वी ट्रेवल्ड विद अ डॉग. सो वी कैरिड ऑल हिज टॉयज एंड हिज ट्रीट्स क्योंकि वो पहली बार इतनी लंबी ड्राइव पे जा रहा था तो हम ये भी नहीं चाहते थे कि वो अनकंफर्टेबल हो. बट वी वर लाइक 5 पीपल तो उसके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था एंड उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रही थी. एंड एज वी हैव अ लैब्रा एंड लैब्राज आर लाइक दे आर वेरी ह्यूज तो उनको प्रॉपर स्पेस चाहिए होती है. बट या उसको मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हुआ. एंड ऑल्सो वी हैड टू स्टॉप एवरी 2 आवर्स as we had to take a stop ताकि वो पानी पी सके and he can do his business और थोड़ा walk करके ताकि एकदम ऐसा भी ना हो कि उसको बंधा बंधा feel हो, claustrophobic feel हो. so we just wanted कि वो अपना time ले. दीदी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है अपने उनको साथ लाई बनने की कोशिश करती है. क्या इसको तो भागो भाई तक सो जाए. भागो 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 भागो. सो थोड़ी देर बाद वो अपने आप थोड़ा कंफर्टेबल होने लग गया विद द कार. एंड या दिस वाज द सेकंड स्पॉट जहाँ पे हम रुके. सो दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव. हमारे रिजॉर्ट तक की ड्राइव वाज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल. वो 10 मिनट का रास्ता इतना सुंदर था. एंड दिस इज अ रिजॉर्ट. दिस रिजॉर्ट इज वनंतरा रिजॉर्ट एंड इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी आई हैव एवर लिव्ड इन. पूरा जंगल के बीच के अंदर आसपास पीकॉक्स थे, शांति, बर्ड्स की आवाज़ें एंड ऑल दैट. एंड इट वाज सो 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 पीसफुल एंड बहुत सुंदर. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू ऋषिकेश प्लीज स्टे हियर. तो गाइज ये हमारे जो रिजॉर्ट है उसके आसपास का एरिया इतना सुंदर है. इट्स वेरी ग्रीन और टेडू वहाँ पे गाय से डर रहा है क्योंकि ये एकदम हमारा जो रिजॉर्ट है वो एकदम जंगलों के बीच में है. एंड विच इज़ ग्रेट क्योंकि आसपास इतनी ग्रीनरी है. आई जस्ट शो यू. आप मेरे पीछे देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जंगल है एंड बहुत बहुत प्रिटी है. नॉट गोना लाई हम थोड़ा ऐसे ही वॉक वगैरह करने आ गए. हमने अभी लंच किया एंड यार तो मैंने कपड़े पहन लिए हैं. अभी नीचे अभी भी चप्पल है बट या बहुत 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 सुंदर है. एंड इट्स ऑल्सो पेट फ्रेंडली. इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी आर ट्रैवलिंग विद आर पेट. हाँ तो हमें टेडी को भी साथ लेके आना था. सो ऋषिकेश वॉज लाइक आर बेस्ट ऑप्शन. एंड लाइटिंग बहुत फ्लक्चुएट कर रही है बट या इस बॉयज ओवर के साथ साथ मैं आपको प्रॉपर्टी दिखाऊंगी कि कितनी सुंदर है. प्लस आर रूम्स प्लस द नेचुरल बाथ द नेचुरल river pond that we have outside our rooms which is great. and like it's so so pretty. मतलब एकदम chill शांत जगह आप आस पास आके घूम सकते हो. and honestly यहाँ पे मोर वगैरह भी बहुत थे. हमने आते ही 4 मोर स्पॉट किए वो एकदम हमारे रिजॉर्ट के एकदम सामने. so like behind me is our resort और यहाँ पे ऐसी पूरी चलने की लेन है. so if you are also planning to go with your family then you can surely consider this place. and yeah ek dog ke sath travel karna bahut mushkil hai but yeah tedu pani mein jayega. hi girls ja kar rahe hain सनसेट. या वी आर गोना सी सनसेट क्योंकि यहाँ 5:30 बजे यहाँ पे सनसेट पॉइंट पे हम जाएंगे एंड सनसेट देखेंगे. बट उससे पहले हम कहीं और जा रहे हैं. आज हम डीप इनसाइड जा रहे हैं. हाँ मतलब बहुत देर की वॉकिंग है इनकी.
एंड मतलब यहाँ पे मैं तो पूरा दिन वॉक कर सकती हूँ, इतना सुंदर है ये एरिया। फुल गर्ल नेक्स्ट डोर बन के आई है आज पहली बार। या पहली बार बट शी हैज अ कोच बैग। मैंने सोचा जब तक हम वॉक कर रहे हैं तब तक हम लोगों को ये बता दें कि आप डॉग के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। सुनो, मैं फर्स्ट एडवाइस दूंगी, करो ही बट ट्रैवल अगर डॉग नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करिए कि शॉर्ट डिस्टेंस हो, जैसे हमने ऋषिकेश चूज किया इट वाज अ 4 आवर ड्राइव। वी डिडंट टेक अ होटल, वी डिड टेक अ रिसॉर्ट, क्योंकि वो तो डॉग फ्रेंडली, आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको प्रॉपर्टी मिल जाए। हाँ, यहाँ पे खेलने के लिए, क्योंकि अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हम टेडी को नहीं लेके जा रहे हैं, तो हम अपने रिजॉर्ट ही छोड़ आए हैं और पेट फ्रेंडली होने का यही, ताकि वो अपना खेलता रहे। एंड हाँ, और वहाँ पे वो मतलब उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हमारे लिए इशू नहीं है। गाइस, जिसका वो बनता आ रहा था ना, पानी है जो हम पानी देखने आए हैं, एक्चुअली उसको मैं दिखाना चाहूंगी आपको, दूर से मॉन्टाज देना चाहूंगी। वाओ, दिस इज द पानी भैया यार। ये भैया का घर है, उई वो डक देखो। आजा। क्या हुआ तुझे? बहुत ब्यूटीफुल। हाँ छोटू, छोटू छोटी, बस चाट मत। आजा, चलो गाइस। हमें अभी पता चला है कि ये एग्जैक्टली ऋषिकेश में नहीं है, ये एक गांव में है। मुझे पता था, मुझे नहीं पता था, मुझे पता था ऋषिकेश से पहले है, ये ऋषिकेश से 10 मिनट पहले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक अलग गांव ही एग्जिस्ट करता है। इसका नाम है तल्ला गांव, ऊपर मल्ला है। ये इनकी घरवाली भाषा में नाम है। भैया सुना रहे हैं मस्त कहानियाँ। यार मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, आज का दिन हमारा ऐसे ही लेजी सा हो रहा है, मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी। और एक तो दीदी ने बोल के मुझे लेजी करवा दिया है। पर अभी हम जा रहे हैं, अभी सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पे गोवा बीच वगैरह है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वो चुप हो जा। अब उसने बोला तो जाएंगे ना, बट हम सोच रहे हैं कि हम वो कल एक्सप्लोर करें, क्योंकि उसमें दिन में जाने का फायदा है। तो ऋषिकेश जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं वहाँ से 7 किलोमीटर दूर है सिर्फ, तो हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड अभी मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लंच वगैरह देख लिया। सो राइट नाउ भी हम लोग लंच करने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग थोड़ा कैफे वगैरह जा रहे हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने। एंड मैं तो अपनी लेट नाइट का भी खाना ले आऊँगी और रात का भी खाना ले आऊँगी, क्योंकि मुझे होटल का खाना थोड़ा पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैं अपना फुल तैयारी करके आने वाली हूँ, ताकि मुझे रात को और लेट नाइट में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड यहाँ पे टाइमिंग्स का काफ़ी इशू है कि 7 PM के बाद इस गेट से नहीं आ सकते, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए, अभी 5 बज रहे हैं। एंड कैफे है, कैफे हाइड आउट, जो कि काफ़ी अंदर है, एकदम हाइड आउट में। Thank you.
एक इंसान जो हमेशा जलेबी खाता हुआ पाया जाएगा आपको. But you didn't like these jalebis. You didn't, right? Actually ना इनके और हमारे घी में बहुत फर्क है, है ना? बहुत डिफरेंस है, मतलब क्योंकि तभी हमें होटल का खाना भी अच्छा नहीं लगा. इतनी क्रेविंग हुई थी ना जलेबी. अभी हमने यहाँ पे कुछ स्पेशल उत्तराखंड की मिठाई टेस्ट की जो कि इतनी गंदी लगी. पर मैंने यहाँ से होल व्हीट कुकीज ली हैं. वो अच्छी है, वो मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ. हमने अपना चिज्जी का स्टॉक भर लिया है. चलो चलो बाय. बाहर में निकला हर बात पे गली गली दिल्ली का लौंडा चौड़ता यूपी कोई क्षेत्र जा चली रही. उधर यहाँ पे इतनी तेज हवा चलनी शुरू हो गई और ड्रिजलिंग हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है. और अभी हमने रील भी बनाई है बहुत फन, विच यू कैन सी ऑन माय इंस्टाग्राम. आई विल मेंशन द इंस्टाग्राम, माय इंस्टाग्राम हैंडल, सो यू कैन फॉलो मी देयर. एंड इट्स अ फैमिली रील, तो आपको काफी मजा आने वाला है. एंड या भाई बारिश शुरू हो गई, मन होगा ना यही रहने का. सही में हमने सोचा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, बट अब इतना सुंदर लग रहा है यार ये. मतलब मेरे पीछे पूल देखो आप, लाइट अप, वाओ, हवा चल रही है. आल्सो एंजॉयिंग. एंड बाय द वे, मोस्ट ऑफ द कैफेज एंड रिजॉर्ट्स इन ऋषिकेश आर डॉग फ्रेंडली, सो इट्स नॉट गोना बी एन इशू फॉर यू गाइस.